चित्रकारी मोने दर्शानियों ने बताओ कि भाई आप मोरेटरी जीवन शैली है जोधपुर री ओ साहब अपने वर्ली चित्र है वर्ली पेंटिंग क्या करे जितने मेहमान है मेहमान जो हमारा होता है वो जहाँ से प्यारा होता है तो उन मानना भी करा राइटिंग पेंटिंग भी करा G20 के अंदर जैसे अपने मेहमान आएंगे 20 देश के कोई जीव तो मिनक उबर है हम इनके तो बना दे आप बना तो देवा लेकिन थोड़ा टाइम लगे सर एक एक वोट मारे नाम माते पड़े राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ हुकुम पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप मगड़ी नमस्कार मैं गोपाल और आप देख रहे हो झलको जोधपुर जोधपुर में आउनाला 20-25 दिन बाद में G20 रो सम्मेलन है और उन वास्ते प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और लगातार शहर में रंग रोगन रो काम है चाहे डिवाइडर रो काम है चाहे फुटपाथ रो काम है हर तरीके प्रशासन पूरी तरह तैयार है और लगातार काम रो सिलसिलो जारी है और एयरपोर्ट रोड में आज मैं पहुँची हूँ जटे मारे लारे देख सको आप पूरी दीवार बहुत ही शानदार चित्रों भरियोड़ी है एक तरीके पर राजस्थान री कल्चर राज्य का चित्र है बहुत ही यूँ पुरानी यादों दिला दिया करे पुराना लोगों रे जी का माथा रोने साफा पहनियोड़ा और अटीने वो चित्र एक तरह भक्ति भाव रो चित्र लगा रही है और अटीने देखो बासा एकदम होको पी रिया है तो मतलब कटिन कटी यहाँ पेंट्रोरी जी की एक तरीके उकेरनी जी की कला है वह कला अपने आप में अनूठी है और विदेशी मेहमान अवेलाट है जदे तो ए जी का चित्र देख और ए जी की अपनी संस्कृति री जी की पहचान देख और बड़ा ही आकर्षित हुआ और अपे कई अट्टे पेंटर अभी भी काम कर रही है तो भी हूँ जाननी चाहूँगा कि आप पेंटिंग री जी की जुनून है वो आप में कटूँ आयो और किन तरीके आप पेंटिंग करिया करो और लगातार आपरे मन में जी का नया नया आइडिया है बेकटू आया करे पेंटर साहब है जी का पेंटिंग कर रिया है और बहुत शानदार एक चित्र उकेर रिया है कई ना हुकम आप रो अरविंद नाम है सर अरविंद जी कितना टाइम हुआ पेंटिंग करिया करो कम कम हो गया 15 साल हो गया मैंने काम करते ना और अटे जो अपना काम चल रही है मैंने 1 महीना होगी तो अपने मारवाड़ में काम करियो या बारे भी जाया करो मारवाड़ बारे अपने काम पड़े तो बढ़िया हुआ अच्छा तो ये चित्र है जी का आपरे मन आइडियो आवे या आप कोई थ्रू अपने जेड़ो सब्जेक्ट मिले वेड़ो बनाता दीवारों माते क्रिया करो या पेज माते वॉल पेंटिंग जैन मंदिर टेम्पल रो कोई भी काम है तो वो करो तो इन चित्रों में और कई निखार वास्ते कई करना चाहिए प्रशासन ने तो बचा अपने तो प्रशासन में कई है कि मानना है पेंटिंग है जो इन्हें सुंदरता इन जो तो अटने एक सको पर होली दियाली घर में जी की दीवारों माते मोड़ना बनाओ एक तरीके वो मोड़ना बना रहा है कई ना हुक्म आप रो दीक्षित जी आप पेंटिंग आप कटो सीख गया मैं तो इनर साथ रह रहे नहीं सीख गया पेंटर लोग अच्छा तो आप रे पिताजी वगैरह काम करता कहीं नहीं पिताजी तो सब्जी मंडी में अच्छा तो पेंटिंग कितना टाइम कर रही हो आप मैंने 8-9 साल हो गया अच्छा दीवारों में करिया करो या पेज वगैरह भी मत नहीं नहीं दीवारों माते ना हुक्म आप रहो मेरा नाम मनोज कल्ला है मनोज जी आज की पेंटिंग करियो अपने कल्चर हिसाब हूँ तो आ कितनी लोगों ने आकर्षित करिया करे देशी विदेशी पर्यटकों ज़्यादा आकर्षित करे क्यों अपने जो कल्चर राजस्थान का जो कल्चर है वो जो विदेशी मेहमान अपना आवे या राजस्थान बारूला जी का आ रहा है तो यो ने अपने जी की संस्कृति अपने जी के सेवास वगैरह है उन्हें किकर मालूम चले उन्हें चित्रकारी मोने दर्शानियों ने बताओ कि भाई आप मोरेटरी जीवन शैली है जोधपुर री या राजस्थान री या मारवाड़ री तो भी बस जितने ही मेहमान है मेहमान जो हमारा होता है वो जहाँ से प्यारा होता है तो उनकी उनको देखते हुए जोधपुर के कलेक्टर साहब ने ये काम करवाया है बहुत अच्छा काम है और ये जो रोड है थीम में जो राजस्थानी थीम पर अभी G20 के अंदर जैसे अपने मेहमान आएंगे 20 देश के तो उनके हिसाब से की हुई है जो राजस्थानी संस्कृति को अपने कैसे इन दीवारों पर जिंदा करके उनको बता सके भाई ये हमारा है बिल्कुल और जी को आइडियो है नयो आइडियो है बिल्कुल प्योर शहर में भी और जगह है पेंटिंग लेकिन अटे जी की आप पेंटिंग करी उड़ी काफ़ी आकर्षित है और पुरानी चीज़ों ने ज़्यादा है इनमें राजा महाराजा का चित्र है और भी जैसे मतलब मॉडर्न कल्चर कम है और पुरानी चीज़ें ज़्यादा है तो और भी इनमें नया प्रयास कहीं किया जाना चाहिए यही है पुराना जो चीज़ होती है ना उसको अपना कितना आगे ला सकते हैं जो अपनी धरोहर है मारवाड़ की धरोहर है बाकी मॉडर्न तो आजकल सब होता ही है
लेकिन जो पुरानी चीज है उनको जिंदा रखना, उनको धरोहर को अपन को जीवित रखना या उनके बारे में आगे बताना, ये मेन है। तो ये थीम कलेक्टर साहब की है, जडीसी साहब हमारे जोधपुर के जडीसी साहब उनकी है। और जिका यूट्यूबर्स है, इंस्टाग्रामर है या फिर सोशल मीडिया में जितना भी लोग है, बिया ने भी इकट्ठे इकट्ठे हट आना चाहिए ताकि यार पेंटिंग और जिकी एक तरीके की कला है बा जिंदी रहे, एड़ो भी होना चाहिए प्रयास। हाँ होते हैं, आते भी हैं लोग बाग यहाँ पर आते हैं, यूट्यूबर्स भी आते हैं और कई अपने मैरिज के फोटोग्राफ वीडियो शूट करने के लिए भी आते हैं और कई फोटोग्राफी करने के हिसाब से भी आते हैं। तो ये दोनों तरफ की जो वॉल है, ये जोधपुर के एयरपोर्ट अपना मेन है, जो भी मेहमान आता है जोधपुर में बाहर एयरपोर्ट से बाहर निकल कर वहाँ तक अपन को ऐसा है जो कल्चर मारवाड़ का पूरा कल्चर इसमें आ जाए। तो इसमें पेंटिंग्स भी है और राजस्थानी पुराना जो अपने मांडना आर्ट होते थे, मांडना जो घरों के बाहर बनते थे, उसका भी ये ऊपर ऊपर वाले एरिया में सब मांडना बनाया हुआ है। पेंटर साहब भी अटे दीवार माते पेंटिंग बना रहा है और अटीने चिल्लर बाल्टी भी खेल रही है रोड माते एकदम साइड रे मैंने कई नाम आप रहो अनिल चितारा। अनिल जी, वो काम है जो कितना टाइम कर रही है आप? 30 साल कर रही है। अच्छा, कड़ोक लाग रही हो काम कर? बहुत बढ़िया लाग रही है। अच्छा, अपने अटे जोधपुर में ही करो या बारे भी जाया करो? ऑल इंडिया में कटे भी जा सका। अच्छा, तो अपने जी की आप वो काम करो, सिर्फ मोड़ना रो काम करो या अपने राजस्थान की संस्कृति रे साबू? राजस्थान की संस्कृति चित्रकारी रो भी काम करा और मांडना भी करा। अच्छा, राइटिंग पेंटिंग भी करा। तो अच्छा, राइटिंग मतलब पेपर माते भी बनाया करो? हाँ वो भी करा। तो आपने इन काम रे मैंने और कई सुधार करने की जरूरत है आपने कई हिसाब कई लगे आपने? अच्छा लोगों ने मतलब आना जरूरी है जो को मतलब प्रोफेशनल है, एक ही है कि कुछ नॉर्मल पेंटर ने भी लिए ना जाया करे जो को उन काम बिगाड़ दिया अगर उनमें कई काम क्वालिटी नहीं दिखे। और अच्छा जी का आर्टिस्ट है जो कॉलेज है वो निकल बैठा है, वे अगर आने इन्हें सपोर्ट करे नहीं तो इन मायने निखार आ सके नहीं। तो कही है कि लोग बाग इन पेमेंट मतलब लेवे अणु तो और पेंटर ने कम देवे, हल्का पेंटर ले ना जावे पे खा जावे, तो इनो बढ़िया हो सके अगर इन मायने अगर अच्छा आर्टिस्ट काम करे तो ध्यान रखे। तो ने देख सको पेंटर साहब है जी का पेंटिंग बना रहा है, अपन होली दीपावली जी का त्योहारों माते है पेंटिंग है बहुत ही खूबसूरत बनी है। आप है जी को कहनो चित्र बना रहा हो? ओ साहब अपने वर्ली चित्र है, वर्ली पेंटिंग क्या करे और मांडना में आया करे सर। अच्छा, तो आपने चित्रकारी करता नहीं कितना टाइम हो गया? मैंने सर 20-22 साल हो गया। कितनी हाजिरी कितनी पड़ जावे आपने? हाजिरी से 1,000-1,200 रुपया पड़ जावे। आप भीती चित्र बनाया करो या बारे और भी बनाओ? और भी बनाओ, पेंटिंग वगैरह, राइटिंग वगैरह, चित्र वगैरह, मांडना सब बनाओ। अटे सिर्फ अपने जोधपुर में काम करो या बारे भी जाया करो? और भी बारे जाओ, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, बारे भी काम करया करा। तो इन चित्रों में कहीं आपरा भी आइडिया यूज करो अटे? हाँ बिल्कुल, मन से बनाते हैं कुछ पेंटिंग है, कुछ मोबाइल से देख के नेट से बनाते हैं। अब अगर आपने कोई जीव तो मिनक उबर है हम इन कह दो बना दे आप एड़ो बना तो देवा, लेकिन थोड़ा टाइम लगे स्केच बन जावे, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगे सर। और आज की चित्रकारी बनी हो और कलर हूँ तो आ कितनी टाइम रह सके मतलब? 5-7 साल तक रह सके आराम, वाटरबल है, पॉसिबल है, बरसात कोई फर्क नहीं पड़े इन्हें। तो 5-7 साल एडी रेडी रह जा, अगर बारिश वगैरह हुए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़े ज्यादा? पॉसिबल है, बारिश को फर्क नहीं पड़ेगा। पेंटरों ने भाई थोड़ी आधारभूत चीजों की जरूरत होया करे और 1,000-1,200 धाड़ी मिले, तो और सरकारी तरफ आपने कोई सहायता मिली? सरकारी तरफ कोई सहायता नहीं मिली, कोरोना काल में भी हम बहुत पेंटिंग है जैसे हमारी तरफ से फ्री में रोज सड़कों के ऊपर दीवारों पे जैसे मतलब बेहतरीन पेंटिंग करना आपने सड़कों में तो बेचनी पड़े? सड़कों में तो बेचनी नहीं सर, अपने तरफ को संकेत वास्ते कोरोना वास्ते बचाव उपाय वास्ते सर पेंटिंग बनवाई थी ऐसे। देख सको किन तरीके हूँ जोधपुरी सड़कों माते एयरपोर्ट सड़क रे माते है जी का मोंडना बनियोड़ा है, अनूठी प्रकारी कला करती है, कटे न कटे अपनी राजस्थान की संस्कृति ने जिंदो रखने वास्ते वो प्रयास है। विदेशी और देसी लोग अट आया करे और G20 रो सम्मेलन है चाहे हैंडीक्राफ्ट रो सम्मेलन है अट वेला और लोग बे बारू अटावेला, तो देखेला किन तरीके हूँ ए चीजों पेंटिंग अपनी एक तरीके हूँ संस्कृति ने दर्शाया करे। और अपे उम्मीद करो कि बारू देसी विदेशी पावना आवे और अपनी जी की राजस्थान की संस्कृति है, कला है, बिने समझे और अटऊ जी की जोधपुरी छवि है देश दुनिया में ले जावे और एक बेहतरीन प्रयास हो सके। और जोधपुर प्रशासन शासन लगातार है जी को बेहतरीन काम करे और ओ काम है जी को आगू आगे बढ़तो रहे है और बढ़िया काम कर रहा है, चौको काम कर रहा है। और आपने भी कटी वार्ड में साफ सफाई है कोई भी कमी लगे तो शासन प्रशासन ने आप लोग जरूर अवगत करे जो, और ओ वीडियो आपने कड़ो लागो जरूर बताइए जो कमेंट बॉक्स में। और झलको जोधपुर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो भे तो कर भी ले जो, और हाथे घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए।